और ये गृहस्थ सामग्रियों के गृहस्थ जीवन में आप प्रवेश कर रहे हैं। इस मंडप में जितनी सामग्रियां रखी गई हैं सब गृहस्थ जीवन से संबंधित है, सभी आप लोगों को कुछ न कुछ संदेश देती हैं। सबसे पहले मंडप गाड़ा जाता है। मंडप बांस का ही क्यों गाड़ते हैं? तमाम अम्बू बम्बू तंबू आते हैं, कायों का गाड़ दे सकते। बांस की विशेषता होती है, बांस सबसे बड़ा वृक्ष माना जाता है, लंबाई में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन जब ऊंचाई पर जाता है तो जाने के बाद क्या हो जाता है? झुक जाता है। यह बांस वर और कन्या को आप लोगों को यह संदेश देता है कि जीवन में आप लोग कितने ही ऊंचाई पर क्यों न जाइएगा, हमेशा अपने श्रेष्ठों के प्रति विनम्रता का भाव रखिएगा, क्योंकि नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश मूर्खाश न नमंती कदाचन। फलने वाला वृक्ष और गुणी व्यक्ति हमेशा झुके रहते हैं, मूर्ख व्यक्ति और सूखा पेड़ कभी झुकता नहीं। कुछ यहाँ साइंस पढ़ने वाले भी होंगे, हो सकता है दो चार अक्षर पढ़ लिए हो, तो वो सोचेंगे तो पंडित जी का ढकोसला है, साइंस को सिद्ध करता। ये मंडप जो हरे बांस का गाड़ते हैं, हरा बांस जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, मंडप को कुश और कास से छाते हैं। कुश और कास जो होता है वो कुचालक होता है, ठीक है ना? ये सुचालक होता है, वो कुचालक होता है, ठीक है ना? वो नॉन कंडक्टर है, ठीक है ना? तो इसीलिए यदि आकाशीय विद्युत गिरे तो मंडप में बैठे हुए लोगों के ऊपर, वर कन्या के ऊपर उस विद्युत का कोई प्रभाव न हो, उसी बांस के माध्यम से वह अर्थ में समाहित हो जाए, धरती में चला जाए, इसी कारण इसीलिए हरे बांस का मंडप लगाया जाता है। भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि कार्य बिना हल के संपादित नहीं होता, इसलिए हरीस गाड़ा जाता है। मंडप में ओखली और मूसल पुत्रोत्पत्ति की क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए रखा जाता है। सील और लोढ़ा, सील हटा दिया जाता है, लोढ़ा लगाया गया था, अभी आपने लोढ़ा बच्ची के पैर के पास से हटाया। इसका यह भाव है कि हे देवी, ये विपत्ति रूपी पहाड़ है, आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की कठिनाइयां आती रहेंगी, मैं इसी प्रकार से उसको अपने हाथों से हटाता रहूंगा, मैं आपके मार्ग को प्रशस्त करता रहूंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मंडप में रखते हैं चकरी। चकरी कहाँ रखे ना? चकरी के दो पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन ये पार्ट जुड़ते किससे हैं? एक खूंटी से जुड़ते हैं, ठीक है ना? जब तक ये दोनों पार्ट खूंटी से जुड़े रहते हैं तब तक इसमें रहर डालिए, मटर डालिए, चना डालिए, कितना कड़ा पदार्थ डालिए, सबको दलते हुए बाहर कर देता है। लेकिन जिस दिन ये खूंटी टूट जाती है उस दिन दोनों पार्टों का कोई महत्व नहीं रह जाता। यह वर और कन्या भी चक्री के दो पार्ट के समान है, और ये वर और कन्या जो आज पति पत्नी के रूप में परिणत होने जा रहे हैं, पति पत्नी का रिश्ता जो होता है एक विश्वास का रिश्ता होता है। जब तक विश्वास है तब तक पति पत्नी का जीवन बड़ा सुंदर होता है, कितना अभाव रहे कितना प्रभाव रहे, लेकिन जिस दिन विश्वास रूपी खूंटी पति पत्नी के बीच से टूट जाती है उसी दिन से वर और कन्या अर्थात पति और पत्नी का जीवन नारकीय हो जाता है। इसी भाव को प्रदर्शित करता है यह चक्री। हाँ, सुग्गा। सुग्गा क्यों लगाते हैं मंडप में? सुग्गा मीठा बोलता है। बोले महाराज सुग्गा से भी मीठा तो कोयल बोलती है, कोयल लगा देना चाहिए था। बोले तोते की दूसरी विशेषता है, तोता मिर्चा खाता है लेकिन फिर भी मीठा बोलता है। यह संदेश आप लोगों को तोता देता है कि जीवन में आप लोगों को कोई कितना ही कटु अनुभव क्यों न कराए, कोई कितना ही कड़वा आप लोगों को क्यों न बोले, आप हमेशा प्रेम से